तो रेस्टिंग पीडिया फैमिली लगता है कि रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बाद अब WWE ने एक तरह से कंफर्म कर लिया है कि ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस ये मैच जिसका फैंस को बहुत टाइम से इंतजार था। बल्कि रैंडी ऑर्टन जब रिटर्न भी नहीं आए थे उससे पहले ही ये रूमर आ रहे थे और मैंने खुद भी बताया था कि ऑर्टन जब भी रिटर्न आएंगे उनका मैच रोमन के साथ होना कंफर्म है। तो अब इस बारे में WWE ने भी हिंट करना स्टार्ट कर दिया और इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। साथ में रोमन रेंस के फैंस के लिए अच्छी खबर ये कि रोमन जो कि क्राउन ज्वेल के बाद से अभी तक WWE में रिटर्न नहीं आए उनके रिटर्न आने की डेट WWE ने अनाउंस कर दी है। तो रोमन के फैंस के लिए तो अच्छी खबर है ही, प्लस अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ भाई कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच दो फेस सुपरस्टार सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस और जे उसो के बीच में होगा। और इसके अलावा भी अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के लिए WWE ने बहुत कुछ अनाउंस कर दिया है। तो चलो जल्दी जल्दी इन सब बारे में बात करते हैं टाइम वेस्ट के बिना। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को याद ही होगा कि रैंडी ऑर्टन इसलिए इंजर्ड हुए थे क्योंकि ब्लड लाइन ने मिलकर उनको मारा था। वैसे सच बात तो ये है कि रैंडी ऑर्टन पहले से इंजर्ड थे और उनको सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन अगर हम लोग WWE की स्टोरी लाइन से चले तो ऑर्टन को इंजर्ड किया था रोमन की टीम ब्लड लाइन ने। और इसलिए रैंडी ऑर्टन ने बोल दिया है कि जिन भी लोगों ने उन्हें इंजर्ड किया यानी कि ब्लड लाइन के मेंबर्स ने उन सबसे वो चुन चुन के बदला लेंगे। और अब WWE ने अनाउंस कर दिया है कि आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में द वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन भी आ रहे हैं स्मैकडाउन में और वो ऑब्वियसली सोलो पॉल हेमन और जिमी उसो के साथ बहस करते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है कि सोलो और जिमी के साथ ऑर्टन का कोई टैग टीम मैच या फिर ऑर्टन इनमें से एक को या फिर दोनों को RKO भी दे सकते हैं। तो हालांकि कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस नहीं आ रहे, पर कल से जो स्मैकडाउन स्टार्ट होगा उस टाइम से लेकर जब तक रोमन रिटर्न नहीं आ जाते तब तक ऑर्टन सोलो और जिमी का जीना हराम कर देंगे। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि रोमन के फैंस के लिए गुड न्यूज है कि रोमन के रिटर्न की अनाउंसमेंट हो चुकी है, पर रोमन के फैंस को थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि रोमन कल तो नहीं अगले हफ्ते भी नहीं बल्कि 15 दिसंबर को आ रहे हैं। तो ये चीज मैं अभी से प्रिडिक्शन दे देता हूं कि जिस दिन भी रोमन रेंस रिटर्न आए यानी कि 15 दिसंबर 2023 को उस दिन रोमन को फेस करने और कोई नहीं बल्कि सबसे पहले लाइन में आगे रहेंगे रैंडी ऑर्टन। और ऑर्टन और रोमन की दुश्मनी अभी से लेकर 2024 की जनवरी तक जाएगी और रॉयल रंबल 2024 में फाइनली रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस आपको देखने मिलेगा। वैसे अगर इन दोनों का मैच होता है तो आप लोग किसकी टीम में हो, टीम रोमन रेंस या फिर टीम द वाइपर रैंडी ऑर्टन? कमेंट करके सबसे शेयर करें। तो सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस फैंस को भी ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो एक फाइटिंग चैंपियन है और उन्हें जितना भी मौका मिलेगा वो ये टाइटल को डिफेंड करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में सेथ का मैच हो रहा है जे उसो के साथ और इन दोनों का मैच वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए हो रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जे उसो चैंपियन बन पाएंगे, लेकिन जे हारेंगे कैसे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और ड्रू ने बोल दिया कि वो अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में सैमी ज़ेन को क्लेमोर किक मार के उनकी बोलती बंद करने वाले। तो इन दोनों का भी सिंगल्स मैच WWE ने अनाउंस कर दिया है और नाया जैक्स का सिंगल्स मैच हो रहा है शाइना बिज़लर के साथ। और इसके अलावा 2 out of 3 falls में दो टैग टीम फेस करी है, टीम इंपीरियम और जॉनी गार्गनो और टोमासो चैंपा की टीम। तो ये सब तो अगले मंडे नाइट रॉ में होगा, लेकिन फिलहाल ये देखना है कि कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में द वाइपर रैंडी ऑर्टन क्या करते हैं। और ये बात कंफर्म है कि ऑर्टन जो भी करे बहुत ही धमाकेदार करेंगे। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना और ख्याल रखो सबको, सेफ रहो, टाटा टेक केयर।